आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। आज राष्ट्रीय परिषद की नई राष्ट्रीय परिषद चुन के आई है और उसका नई राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ है। बहुत सारे नए मेंबर्स आए हैं, उन सभी नए मेंबर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की मीटिंग में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कार्यकाल बेहद सफल रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से पूरा देश, पूरी दुनिया इस सदी की सबसे मुश्किल महामारी से जूझ रही है। 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी इसी तरह से खतरनाक था। 100 साल के बाद अब इस किस्म की दोबारा बीमारी आई है। इस दौरान आपकी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने स्तर के ऊपर बेहद प्रयास किए, अच्छे प्रयास किए दिल्ली के अंदर, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों ने प्रयास नहीं किए, सभी राज्य सरकारों ने प्रयास किए, सभी सरकारों ने प्रयास किए, केंद्र सरकार ने प्रयास किए, सभी लोगों ने प्रयास किए, उसी तरह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने भी प्रयास किए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर प्रयास किए। जो काम किए गए उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहली बार हुई। जैसे शुरू शुरू में प्लाज्मा थेरेपी आई थी, प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में पहली बार इस्तेमाल की गई, प्लाज्मा बैंक, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया ILBS में, और फिर दूसरा प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला गया LNJP हॉस्पिटल में। दिल्ली ने होम आइसोलेशन की टेक्निक पूरी दुनिया को दी। कोरोना की वजह से, कोरोना पे काम करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स, अगर कोई शहीद हुए तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। इस तरह से कई सारे प्रयास थे जो दिल्ली में आपकी सरकार ने पहली बार किए, जिनकी चारों तरफ सराहना हुई है। हम सब लोगों ने मिलकर कोरोना पे काबू पाया और मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अब कोरोना दोबारा ना हो। तीसरी वेव कहा जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरी वेव ना आए। देश भर से मेरे पास खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर के ऊपर कोरोना काल के दौरान लोगों की खूब मदद की। एक एक खबर जो है वो दिल को बहुत शांति देती थी, दिल को बहुत सुकून देती थी। इसी के लिए तो आम आदमी पार्टी बनी है। चारों तरफ अपने अपने किस्म किस्म के अपने हीरो पैदा हो रहे थे। दिल्ली में दिलीप पांडे की खूब चर्चा होती थी। अगर दिल्ली में किसी के को भी कोई हो, दिलीप पांडे को फोन कर दो, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और इस तरह के ढेरों दिलीप पांडे थे पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी में। बॉम्बे से कई सारी कहानियां सुनने को मिली जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। पूरे मैं अगर एक एक शहर का और एक एक राज्य का नाम लेने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सब लोगों ने कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, देश सेवा का काम किया, समाज के लिए काम किया,
इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आप लोगों को सबको बधाई देता हूं। मेरी पंकज जी से गुजारिश है कि एक ऐसा करते हैं कि पूरे देश भर से कोरोना काल के दौरान हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जो भी काम किए, छोटे बड़े, इसका एक कंपाइलेशन कर लेते हैं। इससे एक प्रेरणा मिलेगी, अब सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी, एक कंपाइलेशन करके हम आपस में पार्टी में बांट सकते हैं ताकि सब लोगों को इस बात से प्रेरणा मिले। आम आदमी पार्टी अभी तक हमारे देश के अंदर, जैसे अन्ना जी कहते थे, एक प्रथा रही है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को बदलने के लिए आई है। आम आदमी पार्टी देश के लिए बनी है। आम आदमी पार्टी समाज के लिए बनी है। येन केन प्रकारेन सही गलत तरीके से सत्ता पाना आम आदमी पार्टी का मकसद नहीं है। और पिछले हमारे 7-8 साल के इतिहास में, 7-8 साल के हमारे कार्यकाल में, 7-8 साल के हमारी यात्रा ने ये दिखा दिया है जनता के सामने। कई लोगों को जब नई नई पार्टी बनी थी लगता था कि बस अब ये तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी। फिर जब हमारी दिल्ली में सत्ता बनी, फिर लोगों को लगने लगा कि बस ये टर्म है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज दिल्ली में सरकार चलाने के बाद लोगों को लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अकेली उम्मीद है पूरे देश के अंदर। तो आम आदमी पार्टी केवल सेवा करने के लिए बनी है, कुर्बानी देने के लिए बनी है, बलिदान देने के लिए बनी है। जितने आज नई राष्ट्रीय परिषद में सदस्य आए हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को, कि केवल और केवल एक ही चीज अपने सामने रहनी चाहिए कि मैं कैसे समाज की सेवा कर सकता हूं, कैसे देश की सेवा कर सकता हूं। और अगर जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। हमारे देश ने बहुत बड़े बड़े इतिहास में बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हुए, हमारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी तरफ हम बड़े मान सम्मान से देखते हैं। लेकिन मैं खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आम आदमी पार्टी चलेगी। एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह है जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सुप्रीम कुर्बानी दी। आज 23 साल की उम्र के अंदर बच्चा यह सोच रहा होता है कि मुझे 1,00,000 रुपए की नौकरी चाहिए कि 1.5 लाख की चाहिए कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। 23 साल की उम्र में बच्चा यह सोच रहा होता है कि मुझे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। उस व्यक्ति ने न शादी की सोची, न करियर की सोची, और उसने देश के लिए सुप्रीम कुर्बानी दी। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह भी अगर ये सोच लेते कि देश आजाद होगा तो मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो अपने देश को आजादी मिलने वाली नहीं थी। उनकी तरह सुप्रीम कुर्बानी करने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को तैयार रहना है। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, संघर्ष की मिसाल थे वो। एक इतने छोटे से बैकग्राउंड से आए थे, कितने गरीब परिवार से आए थे, दलित वर्ग से आए थे, जिसमें उन्होंने इतना संघर्ष किया। और उस जमाने में उन्होंने विदेशों से 2-2 डॉक्टरेट की, पीएचडी की डिग्री हासिल की और वापस आके देश का संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। इन दोनों से प्रेरणा लेके आप लोग काम करना। हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, जब भी कोई नया कार्यकर्ता, जब भी कोई नया नेता आता है, कि आम आदमी पार्टी में
कभी भी पद की इच्छा मत करना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो, आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको, दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे भाई साहब ये पद ले लो, आपको पद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे पास आके कहते हो अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहें कि भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहां की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूं कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहां से। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ जाग इच्छा जाग जाती है पद की, तो इसका मतलब मन में कुछ स्वार्थ जाग गया। और जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती, फिर वो सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है। किसी के मन में स्वार्थ अगर जाग जाए तो वो 24 घंटे इसी तिकड़म में रहता है कि मैं ऐसे कर लूँ, मेरे को अब ये पद चाहिए, मैं ऐसे करूँ, मेरे को अब ये टिकट चाहिए, मैं इसको नीचा दिखा दूँ, मैं ये षड्यंत्र करूँ, मैं ये झूठ बोल दूँ, फिर वो इसी तिकड़म में रहता है 24 घंटे, फिर वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है वो। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये पद की लालसा और पद की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जिस मकसद से दे आम आदमी पार्टी बनाई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख के कहें अरे ये तो बीजेपी जैसी हो गई, अरे ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, अरे तो दूसरी पार्टी जैसी हो गई। कोई फायदा नहीं है, हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाई हम लोगों ने। अगर आपके मन में किसी भी वक्त मन टटोल के देखते हैं और पद की इच्छा जाग गई, तो उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करना शुरू कर दो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो, 24 घंटे काम, 14 घंटे काम करना शुरू कर दो, खूब सेवा करो। जितनी सेवा करोगे, जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना अहम पिघलता जाएगा और उतनी ये इच्छा जो है ये पिघलती जाएगी। लेकिन ये जो पद की इच्छा रहती है इसको हमें त्यागना पड़ेगा। हम देखते हैं दूसरी पार्टियों में क्या हाल है, एक एक पद के लिए, एक एक टिकट के लिए 10-10 लोगों में मार भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लोग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, टूट रही हैं पार्टियां। क्या हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ कभी भी ऐसा हो? अगर ऐसा होता है तो एक इतनी बड़ी उम्मीद और इतनी बड़ी आशा खत्म हो जाएगी। गीता में एक श्लोक है जिसका भाव है कि समाज का जो नेता होता है उसकी तरफ सारा समाज देखता है, उसका आचरण जो है वो बहुत जरूरी होता है उस नेता का। अगर उस नेता का आचरण भ्रष्ट हो जाए तो उसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये श्री कृष्ण अर्जुन जी को तब कहते हैं जब उनके मन में, वो कहते हैं कि अगर ये कायर भाव तुम्हारे मन में आ गए तो इसका न केवल तुम्हारे ऊपर, पूरे समाज के ऊपर गलत असर पड़ेगा। आज पूरा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देखता है। ईमानदार राजनीति की बात होती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं, पूरे देश में शिक्षा की बात होती है तो मनीष सिसोदिया जी की तरफ देखते हैं, अगर हमें स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती है चारों तरफ देश के अंदर। आज आम आदमी पार्टी कई नए आदर्श तैयार कर रही है, तो इसीलिए कभी भी गलत रास्ते पे मत चल पड़ना, पद की प्रतिष्ठा की इच्छा मत करना,
जैसे सेवा कर रहे हो ऐसे सेवा करते रहना और खूब सेवा करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मकसद से हम सब लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई है वो मकसद हमारा जरूर पूरा होगा। आज राष्ट्रीय परिषद में जितने नए सदस्य आए हैं उन सबको मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।